अच्छा तुम्हारी तो मीटिंग थी ना। मेरी मीटिंग तो खत्म हो गई लेकिन तुम्हारी लगता है कि अभी तक कंटिन्यू है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन। बस हर दूसरी लड़की से मैं इंट्रोडक्शन लेती नहीं फिरती और तुम निकलो, आज हस्बैंड है मेरा। सो नानी तुम्हें निकलो आउट। क्या तरीका है? क्या तरीका? क्या तरीका ये? यही सुधरोगे? कैसी लग रही हो? कहाँ से लाऊं वो अल्फाज जो तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर सके। नौफल प्लीज, अब फिर से ना तुम शेरो शायरी मत शुरू कर देना। कैसे ना करूं शेरो शायरी, गजल सामने खड़ी है, शेरो शायरी तो बनती है। तुम भी ना, कब तक बचोगे नौफल? मैं तुम्हें माजी में ले जाके रहूंगी और वो हर चीज सामने लाऊंगी तुम्हारी जो तुम्हें गुजरावा वक्त याद दिलाएगी। आज गुल चाची ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था और आपको ऐसी बीवी कहीं नहीं मिली। ये बात तो बिल्कुल, हमारी बेगम की तो बात ही कुछ और है। होगी किसी की ऐसी बेगम? आखिर मुझ में क्या कमी है? आई डोंट अंडरस्टैंड, जिब्रान हर रोजाना एक नई लड़की से दोस्ती करता फिर रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त क्यों कर रही हो? टाइट करो उसको, कोई झटका दो उसे। क्या मतलब? मतलब भाई देखो, वो मेरा हार्ट अर्न मनी उड़ा रहा है ना, बर्बाद कर रहा है ना, कारोबार में से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें ये करना चाहिए कि उसका जो अकाउंट है उसे सील कर देना चाहिए और एक लिमिटेड अमाउंट उसके अकाउंट में डालना चाहिए एज ए पॉकेट मनी। दैट्स इट। तो क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल? देखो वो अकाउंट से ऑफिस की तरफ से मिला है, जो उसके शेयर्स हैं उसका प्रॉफिट उसमें जाता है और उन्हीं पैसों से वो इंजॉय कर रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है और उसे ही तुम्हें रोकना है, समझी? तुमने एक मामूली लड़की को मेरे मुकाबले लाके खड़ा किया नौफल, जिसे सब ठुकरा चुके थे और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम उसे ठुकराओगे मेरे लिए। क्या हरकत की है तुमने? कौन सी हरकत? I don't know what you're talking about. अच्छा, तुम नहीं जानती हो कि तुमने क्या हरकत की है? मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का टाइम नहीं है। तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही हैं? अपने दोस्त के सामने मैंने कितना अच्छा कहा था तुम्हारे लिए, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसी होती है एजुकेटेड लड़कियां, लग नहीं रहा कि तुम अमेरिका से पढ़ के आई। अच्छा, तो तुमने उसे मेरे बारे में बताया था, तभी वो इतना शॉक थी और तुमसे पूछ रही थी कि दैट यू आर मैरिड और नॉट? उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। रियली? जरा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हर रोजाना मुझे तुम्हारा एक नया शेड देखने को मिल रहा है, आखिर तुम रियल में हो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। यू आर राइट, अब समझ के करूंगी भी क्या, धोखा तो खा लिया है मैंने। अच्छा, अगर तुमने धोखा खाया तो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? जान का अजाब क्यों बनी हो तुम? ओ मिस्टर, अजाब बनी कहाँ हूँ, अजाब अभी बनूंगी।